आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला है जो कार के ऊपर चढ़कर जबरदस्त हंगामा करते हुए नजर आ रही है। क्लिप में लड़की सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा करती हुई दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला ग्वालियर के फूलबाग चौराहे का है, जहां 25 साल की लड़की ने सड़क पर बवाल काट दिया। उसने न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि लोगों की गाड़ियों पर चढ़कर और स्कूटी छीन कर चलाने लगी। यहां तक उसने एक कार वाले को थप्पड़ भी जड़ दिया। कुछ लोगों ने युवती को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जब बाद में बात नहीं बनी तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को थाने ले गई। दावा किया जा रहा है कि लड़की लोगों से कह रही थी कि उसे प्यार में धोखा मिला है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 27 मार्च को दोपहर करीब 2:15 बजे फूलबाग से निकल रहे लोग सकते में आ गए। एक 25 साल की लड़की अचानक सड़क के बीचों बीच आ गई। उसने आते ही हंगामा खड़ा कर दिया और जाम लगा दिया। युवती ने सबसे पहले एक कार सवार के साथ मारपीट की, उसके बाद एक बुजुर्ग की एक्टिवा छुड़ाकर उसे खुद चलाने लगी। थोड़ी देर बाद युवती ने सड़क पर लगे पुलिस के बैरिकेड्स उठाकर फेंक दिए। लड़की के बीच सड़क पर हंगामे की वजह से ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। उसने लोगों को गंदी गंदी गालियां दी और उनकी गाड़ियां छीनकर चलाने लगी। एक कार वाले को तो उसने थप्पड़ तक मार दिया। ये हंगामा सरेआम करीब 1 घंटे तक चलता रहा। आशा कार्यकर्ताओं ने इस हंगामे को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की उनके काबू में नहीं आ पाई। इससे परेशान होने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को लेकर थाने चली गई। लोगों का कहना है कि लड़की को प्यार में धोखा मिला है, जिसकी वजह से वो ऐसी करतूत कर रही है।